इसको एक को उठाएंगे और ऐसे ऐसे गोल करेंगे, इसको हम हल्का सा रोल आउट करेंगे। तो यहाँ पर हमने इसके ऊपर एक साइड ऑयल लगा लिया है, अच्छे से इसको पूरे अच्छे से स्प्रेड कर देंगे ऑयल को। अब उसके बाद क्या करेंगे, हमने जो फिलिंग बनाई थी उसको पूरे पराठे पे अच्छे से स्प्रेड आउट कर देंगे। तो यहाँ पर हम डिफरेंट स्टाइल का जो लच्छा पराठा बना रहे हैं इसके अंदर हम ज़िगज़ैग नहीं करेंगे। तो यहाँ पर पहले अच्छे से हमने फिलिंग इस पर स्प्रेड कर दी है। अब यहाँ पर हाफ़ में एक कट लगाएंगे, हाफ में कट लगाने के बाद उसका एक कॉर्नर पिक करेंगे और उसे ऐसा रोल आउट करते हुए जाएंगे और एक जैसे जैसे सॉफ्टी कॉर्न होता है बिल्कुल वैसा इसको बना देंगे। और ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है, फूल जैसा। और अब क्या करेंगे, जो सॉफ्टी का कॉर्नर है उसको ऐसे दबाते हुए ऊपर ले आएंगे और ये देखिए एक ये लोई जैसा वापस से बन गया और जो हमारी फिलिंग थी वो अंदर ही पैक हो गई है। तो बस अब इसको दोबारा से हल्का सा आटा डस्ट करेंगे और इसको दोबारा से हम कर लेंगे रोल आउट। तो जो फिलिंग है वो भी बाहर निकल के एकदम से नहीं आएगी, बहुत ही बढ़िया एकदम लच्छा पराठा बनकर तैयार होगा। तो इसको हल्के हल्के हाथ से दोबारा से बेलन से हल्का हल्का बेल लेंगे। तो आइए देखिए यहाँ पर तवा भी गर्म हो गया है, आइए पराठों को सेक लेते हैं। तो मैंने एक पराठा तवे पर रख दिया है, तो एक साइड से ये अच्छे से कुक हो जाएगा तो हमें पता लग जाएगा, हल्का हल्का से ऊपर से कुक होने के इसके अंदर मार्क आ जाएंगे और फिर उसके बाद हम इसको पलट कर दूसरी साइड से सेकेंगे। तो ये देखिए हल्का एक साइड से पक गया है तो हमने यहाँ पर इसको पलट दिया है। अब जो हल्का सा जहाँ से कुक हो गया है उसके ऊपर हल्का हल्का हम ऑयल लगाएंगे और ऑयल लगाने के बाद इसको हम अच्छे से स्प्रेड कर देंगे और उसके बाद जो यहाँ पे हमने ऑयल लगाया है उस वाली साइड को हम दोबारा से कुक करेंगे। तो यहाँ हम पलट देंगे तो दूसरी साइड भी अच्छे से कुक हो गई है, अब इसके ऊपर भी ऑयल लगा देते हैं। तो दोनों साइड पे अच्छे से ऑयल लगाकर हम इसको दोनों साइड से कुक करेंगे। तो जितना ज़्यादा हम अच्छे से ऑयल लगाएंगे इसमें उतने अच्छे से इसकी लेयर्स जो हैं वो खुल के आएंगी। तो ये देखिए दोनों साइड से अच्छे से कुक हो गया है और ऑयल सारा एब्जॉर्ब हो गया है, तैयार हो गया है। उसमें कितनी सारी लेयर्स बनी है और कितना ये खस्ता बना है, इसे ऐसा करते हैं और आप देखिए कितनी सारी इसके अंदर लेयर्स खुल के आ रही हैं और हर लेयर के अंदर आपको पालक और प्याज का स्वाद मिलेगा। देखिए एकदम सारी लेयर्स खुल के आ रही हैं इसके अंदर। तो चलिए इसको सर्व कर लेते हैं।